अभी हम लोग जा रहे हैं टंकी मूवी देखने, तो शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई है मूवी, उसे हम लोग जा रहे हैं देखने। तो आगे का जो भी होगा मैं अपने हेलमेट के थ्रू दिखाने का काम करूंगा आप लोगों को। तो चलिए, तो दोस्तों डंकी मूवी देखने के लिए हम लोग निकल चुके हैं, अपने बाइक ले लिए और हेलमेट वेलमेट की व्यवस्था करके हम निकल चुके हैं नहा धोके फ्रेश होकर के। और इस मूवी को देखने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और एक्साइटेड इतना था कि मैंने अपने दोस्त के पास कॉल किया और वो कॉल उठाया, बट बोला कि मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई तू जा या ना जा, बट मुझे तो ये मूवी देखना ही देखना है। तो मैंने झट से अपनी बाइक ली और उसके बाद निकल पड़ा लेकर के। उसके बाद गाइज बता देते हैं, ये वीडियो रास्ता का व्यू है और अपने हेलमेट के थ्रू दिखाने का काम कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज मैं निकलूँगा और थिएटर में थिएटर का व्यू दिखाऊँगा आप लोगों को, और जो भी हो फीडबैक वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। मूवी देखने के बाद क्या रिव्यू रहता है वो सब मैं दिखाने का आप लोगों का काम करूँगा, कि मुझे ये डंकी मूवी कैसा लगा ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि आप लोगों को देखना चाहिए या ना नहीं देखना चाहिए ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट में मैं जब मूवी देख करके निकलूंगा तो मैं आप लोगों के साथ हमारे जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो आप लोगों के साथ साझा करने का काम करूँगा। तब तक आप हरे भरे पेड़ पौधा देख सकते हैं, बहुत ही रंगीन है। और ये भी सोच रहा हूँ कि यार कब पहुँचूँ मैं, यार एक्साइटेड ही इतना है कि शाहरुख खान और विकी कौशल का मैं बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला फ़ैन हूँ। और हालांकि मैं सबका मूवी देखता हूँ, और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ तो अगला जो वीडियो है वो एनिमल मूवी का भी हम ब्लॉग बनाएंगे। तो नेक्स्ट बार हम एनिमल मूवी देखने जाएंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे, बट ये मेरा फर्स्ट इस तरह का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग अच्छा आप लोग देते हो तो मैं नेक्स्ट एनिमल ब्लॉग बनाऊँगा। तो चलिए डायरेक्ट मैं मिलता हूँ आप लोगों को थिएटर में, और वह देखने के बाद, क्योंकि वीडियो मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ इसीलिए चलते हैं डायरेक्ट थिएटर में, देखने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर में और थिएटर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने डंकी मूवी देख करके आ चुका हूँ अपने घर पर, और डंकी मूवी में मुझे विकी कौशल का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें शाहरुख खान का भी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और एक और गाइज बता दें तो इसमें आपको इंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा, और इंटरटेनमेंट इमोशनल मूवी है और बहुत ही अच्छा मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी, इसमें हर तरह से आपको इंटरटेनमेंट और इमोशनल मूवी है, बहुत ही मस्त लगा। और आप लोग भी जाइए और देखिए नज़दीकी थिएटर में इस मूवी को देखिए, और देखने के बाद फिर से हमारे इस चैनल पर आइए, बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है ये मूवी। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझ तरफ से बता दूँ तो गाइस मुझे ये मूवी बहुत ही बढ़िया लगा है। तो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट में लिख करके बताइएगा, मूवी देख करके आइए उसके बाद कॉमेंट कीजिए।